भारत की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के वार्डन को सस्पेंड किया गया है। दरअसल तिहाड़ जेल से मिली जानकारी के मुताबिक जेल नंबर 4 के वार्डन वीरेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। दरअसल वार्डन पर आरोप है कि वीरेंद्र कुमार तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 में बंद कैदियों को ड्रग्स, सिगरेट और बीड़ी जैसे पदार्थ जो कि तिहाड़ जेल में बैन किए गए हैं उनको सप्लाई किया करते थे। दरअसल तिहाड़ जेल को 11 अप्रैल को एक जानकारी मिली थी, जानकारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स ने दी थी, जिसके बाद तिहाड़ जेल में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 के वार्डन वीरेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया। दिल्ली पुलिस तक भी ये मामला पहुंचा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने वार्डन वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में वीरेंद्र कुमार को पेश किया गया, हालांकि जो कोर्ट है कोर्ट ने वीरेंद्र कुमार को बेल पर छोड़ दिया है, लेकिन तिहाड़ जेल में इंटरनल इंक्वायरी जेल नंबर 4 के वार्डन वीरेंद्र कुमार पर की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले तिहाड़ जेल में सामने आए जब कैदियों को अलग अलग तरह की सुविधाएं देने की बात सामने आई है, लेकिन अब जब तिहाड़ जेल की ही जेल नंबर 4 के वार्डन को सस्पेंड करने का मामला सामने आया, कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में हो रही गतिविधियों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि जेल नंबर 4 के वार्डन वीरेंद्र कुमार पर आगे तिहाड़ प्रशासन और ख़ास तौर पर भारत सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन ललित के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।